हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ यहाँ पे केपीजे स्टार के चैनल में। तो आप सबको बता दूं, कल यहाँ पे हमने एक एमएलए से और एक एमपी से यहाँ पे आर्मी भर्तियों के बारे में यहाँ पे बातचीत की थी और आर्मी रिटर्न एग्जाम के बारे में, एज में शूट के बारे में। तो उसकी जो कि हमने यहाँ पे पूरी जो लाइव वीडियो है वो यहाँ पे शूट की थी, वो पूरी लाइव वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे पूरी वीडियो देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि एक एमएलए ने यहाँ पे क्या बोला आर्मी भर्तियों को लेके, आर्मी रिटर्न एग्जाम को लेके, और एक एमपी ने यहाँ पे क्या बोला। तो पूरी लाइव वीडियो मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे आप सबकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है केपी ब्लॉग्स। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको मेरी जो ब्लॉग्स वीडियो है वो यहां पे देखने को मिलेंगी। इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको इसका जो लिंक है वो यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप सबने मुझे यहां पे सपोर्ट करनी है, जिस तरह आपने मेरे केपीजे स्टार चैनल पे सपोर्ट की है उसी तरह आप सबने केपी ब्लॉग्स चैनल पे भी मुझे सपोर्ट करनी है। इस चैनल को आप सबने पक्का सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप सबको यहां पे पक्का सब्सक्राइब करना है। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आप सबने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब मैं सीधा यहां पे लेके चलता हूं आपको, जो एमएलए ने यहां पे बोला है, जो एमपी ने यहां पे बोला है आर्मी भर्तियों के बारे में, आर्मी रिटन एग्जाम के बारे में, एज में शूट के बारे में क्या बोला है, देखे चलते हैं सीधा आपको यहाँ पे लाइव वीडियो में, देखते रहिए। रिटर्न की जो बात की थी, इसमें आप जाने की इस तरह का आश्वासन दिया, उन्होंने अपनी बात कही है। लगभग एक साल पहले मैंने रिटर्न फिजिकल टेस्ट पास किया, उसकी बात यहाँ माननीय सांसद महोदय जी से भी हुई है। उनका रिटर्न टेस्ट जो है वो उन्होंने कहा है कि पेंडिंग है, आर्मी का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी में सिस्टम अलग होता है, उसका क्या कारण है एक बार पता लगा हमारा प्रयास है। सर इनको कब तक आर्मी का है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे एक साल से यहाँ पर लेकिन जिसको कर रहे हैं कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। बच्चों आर्मी में है, आर्मी का अपना सिस्टम होता है, आर्मी को क्या इलेक्शन से लेना। सर आपने कब तक आश्वासन दिया, क्योंकि बच्चे जहाँ पर पिछले एक साल से हमें कोरोना का कोई किसी को आश्वासन नहीं दे सकता। आर्मी इंडियन आर्मी है, अपना एक सेट रूल्स नियम होता है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है, ना ही उनको कोई इलेक्शन से या इस प्रकार का होता। लेकिन एक बार सांसद मोदी जी ने कहा, दो मिनट लाने, धन्यवाद। इंडियन आर्मी को लेकर भर्ती नीति जो कि बच्चे काफी बार मांग कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न टेस्ट होना चाहिए, मगर आज दिन तक इस बार कोरोना काल का जैसे जैसे स्थगित किया गया, थोड़ा अब क्या आश्वासन दिया है इसके लिए। ऐसे आज देखिए, अभी जहाँ बहुत सारे अच्छे नौजवान जो हैं जो हमें मिले सीनियर बने हैं, उन्होंने बताया कि वो फिजिकली फिट हुए थे लेकिन रिटर्न उनका नहीं हुआ है, ये आर्मी की भर्ती थी, लेकिन ये लोग कोरोना काल के कारण वो स्थगित होता जा रहा है, इंटरव्यू हो जा रहा है, और इनकी उम्र जो है ना वो बढ़ती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा इनकी उम्र हो जाएगी और ये बेचारे आर्मी में भर्ती नहीं हो सकेंगे। इसलिए इन्होंने जो बात हम तक पहुँचाई है, मैं और हम सब ये विश्वास इनको दिलाए। तो आप सबने यहाँ पे इस वीडियो में सुन ही लिया होगा कि एक एमएलए ने और एक एमपी ने यहाँ पे क्या बोला आर्मी भर्तियों के बारे में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा चैनल है। ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आप आर्मी भर्तियों से जुड़ी, आर्मी परीक्षा से जुड़ी और रिलेशन आर्मी भर्तियों से जुड़ी, खुली आर्मी भर्तियों से जुड़ी और टीए आर्मी भर्ती से जुड़ी बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल केपीजे स्टार को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।